हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल जी डी सी ट्विटर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPMSL के अंदर एक फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी आई हुई है, उसी के बारे में आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि कितने पोस्ट पे वैकेंसी होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, मतलब इस फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस होने पाए। जी हाँ, ये वैकेंसी आपकी है UPMSL यानी कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश की एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि मेडिकल यानी कि दवाओं वगैरह की सप्लाई ऑल ओवर द उत्तर प्रदेश करती है। उसके अंदर आपके रिक्रूटमेंट आई है, सिंपली आपको UPMSL के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे तो यहाँ रिक्रूटमेंट पे देखोगे तो करंट रिक्रूटमेंट सेक्शन आएगा। वहां पे जब आप खोलोगे तो पहले नंबर ही पे आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट फॉर 3 पोजीशन ऑफ फार्मासिस्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑन डिप्यूटेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। 3 पोस्ट वैकेंसी है। पोस्ट हालांकि कम है लेकिन हमारा काम आपको नोटिफिकेशन की जानकारी देना है। चाहे कितने भी कम या ज़्यादा वैकेंसी होती हम आपको नोटिफाई करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आपका यहाँ 7-8 से स्टार्ट है फॉर्म और 6-9 तक ये हमारा वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे आप जब इसका PDF डाउनलोड करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, PDF खोलने को मिलेगा, उसमें आपकी सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली जब आपका PDF ये खुलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो UPMSL यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की अंडरटेकिंग है, उसके अंदर आपका रिक्रूटमेंट है फॉर 3 पोजीशन ऑन डिप्यूटेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट क्वालिटी कंट्रोल की वैकेंसी है ना। UPMSL के बारे में ये सारी चीज़ें हैं बेसिक। यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा कि UPMSL का ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे मेन वैकेंसी की, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या वेतन वगैरह है, सारी चीज़। मेन पोजीशन का नाम क्या है, फार्मासिस्ट क्वालिटी कंट्रोल की ये वैकेंसी है। 3 वैकेंसी है, एक जनरल, एक OBC और एक SC की वैकेंसी होने वाली है। फिर ये डिप्यूटेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी होगी। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बी फॉर्म डिग्री होल्डर आप रहने चाहिए अथवा आप साइंस में ग्रेजुएट जिसमें आपका केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। साथ ही साथ एज लिमिट आपकी 45 ईयर है। और वेतन की बात कर लें 47,600 से 50,000 पे लेवल मैट्रिक्स 8 पे आपका यहाँ पे पेमेंट होने वाला है। साथ ही साथ अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो डिजायरेबल में आपका मांगा है अप्लीकेंट मस्ट हैव मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्रग क्वालिटी कंट्रोल। जी हाँ, ड्रग क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ ये आपका सारी चीज़ें हैं कि कितना इंक्रीमेंट है, कितना क्या सारी चीज़ें हैं। 7 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है। कैसे अप्लाई करना है, तो ये मेनली आपका ऑफलाइन अप्लाई करना है। जी हाँ, ऑनलाइन नहीं अप्लाई करना है। अभी नीचे एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल भर के आपको इस एड्रेस पे, जी हाँ इस एड्रेस पे आपका किस पोस्ट के लिए है, GM AHL सुधा भवन 7/23 Sector 7 गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ पे ये आपको भेज देना है। अपनी जो CV वगैरह सारी चीज़ें अटैच कर देनी है। इस PDF में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस PDF का लिंक भी ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये सारे आपके रूल रेगुलेशन है कि email ID होना चाहिए, फादर का नाम, सारी चीज़ें, मतलब जो भी आपने अटैच की है कॉपी वगैरह सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। और ये एज इलेक्शन वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी को आप प्रीफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है फार्मासिस्ट क्वालिटी कंट्रोल का, उसका ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड बताया गया है, बेसिक ऑब्जेक्टिव बताया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जब बात आ रही थी तो वहाँ हमने क्या देखा था कि आपका ग्रेजुएट इन फार्मेसी होना चाहिए या साइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और स्किल एंड एटीट्यूड में आपका क्वालिटी कंट्रोल में बेहतर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चलाने आना चाहिए, एज वगैरह सारी चीज़ें, ये हमारा यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें दे दी गई है। मेनली फॉर्म की बात कर लें तो कुछ ऐसा फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को आप निकलवा के यहीं पे आप भर के दे सकते हो। नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, हस्बैंड या फादर का नाम, सारी चीज़ें, email ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन डिटेल, सारी चीज़ें यहाँ पे, अगर आपका एक्सपीरियंस डिटेल है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आपको भर के, भरने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे अपने, चाहे फार्मेसी का हो चाहे जो भी हो, है ना, उन सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप लिख के और सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके, सेल्फ अटेस्ट करके, इन सारे डॉक्यूमेंट को आप सिंपली
इनके पते पे भेज देना जो पता आपका लिखा हुआ था पीडीएफ में। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपकी 3 वैकेंसी यूपीएमएससीएल जो कि मेडिकल सप्लाई करती है, दवाओं की सप्लाई ऑल ओवर द यूपी करती है, उसके अंदर 3 फार्मासिस्ट की क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वैकेंसी है। तो अगर आप इस क्वालिफिकेशन पे खड़े उतर रहे हैं, आपके कोई जानने वाले इस क्वालिफिकेशन पे खड़े उतर रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरीके से फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी के लिए, उनके एग्जाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड, उनके क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर से रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक हमारा और मेन यूट्यूब चैनल है जीपैट डिस्कशन सेंटर, उस पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।